हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चे? बेटा, मैं आप लोगों के सामने आपके 3 से 4 मिनट लेके आपकी जो लास्ट डे रिवीजन को लेके माइंड में कंफ्यूजन है उसको दूर करने आया हूँ। बेटा, हम लोग ये मानते हैं कि जो रिवीजन है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं पिछले 18 सालों से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं दो चीजें शुरू से करता आया हूँ, एक LMR और एक LDR। LMR लास्ट मंथ रिवीजन, जिसको अब आप मैराथन के नाम से जानते हो, एंड LDR जिसको आप लोग महामैराथन के नाम से जानते हो। होता क्या है सर, एग्जाम से एक दिन पहले, कल हमारा पेपर है, उससे पहले क्या हमें वीडियो लेक्चर देखना चाहिए या हमें बुक पे रीडिंग में फोकस करना चाहिए? सर, आपकी इसमें क्या राय है? ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने जिस दो प्रिंसिपल्स के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रिंसिपल्स हमने लास्ट डे रिवीजन स्टार्ट किया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, वो प्रिंसिपल क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, जो बच्चा दोनों मॉड्यूल्स दे रहा है, इफ यू आर अपियरिंग फॉर बोथ द मॉड्यूल्स, तो ये लास्ट डे रिवीजन आपके लिए नहीं है। जो बच्चा दोनों मॉड्यूल्स देता है वो कभी भी लास्ट डे रिवीजन के लेक्चर्स ना देखे। लास्ट डे रिवीजन के लेक्चर सिर्फ उस बच्चे को देखने चाहिए जो सिंगल मॉड्यूल दे रहा है। सर, सिंगल मॉड्यूल वाला लास्ट डे रिवीजन देख सकता है, दोनों मॉड्यूल वाला नहीं देख सकता, इसका क्या रीजन है, इसका क्या लॉजिक है? वी आर श्योर कि अगर आप कह रहे हो तो आपको सोच के बोल रहे होंगे, लेकिन आप प्लीज हमें उसका रीजन बताएंगे। रीजन है बेटा, रीजन क्या है सुनिए। आपका जो एग्जाम होता है, मॉड्यूल वन का एग्जाम होता है, फिर नेक्स्ट डे मॉड्यूल टू का होता है, फिर उसके बाद मॉड्यूल वन होता है, फिर मॉड्यूल टू, ऑल्टरनेट डेज पे होते हैं। मैं कभी भी फेवर में नहीं हूं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले अपना टीवी, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी ऑन करें। आपका पूरा फोकस किताब में होना चाहिए। यू शुड बी रीडिंग बिटवीन द लाइंस। कब? एग्जाम से एक दिन पहले। लेकिन हम एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन नहीं कराते, हम उससे भी पहले कराते हैं। मतलब अगर 1 जून को आपका GIGL का एग्जाम है, तो उससे एक दिन पहले 31 मई को आप सेल्फ स्टडी करेंगे। सारा दिन आप अपनी रिविजन, अपनी बुक्स, अपने पास्ट ईयर पेपर, वो सब करेंगे। हम तो उससे भी पहले, यानी कि 30 मई को आपको मिलेंगे शाम को 5 से 12 बजे तक। तो 5 to 12 विद हाफ एन आवर की ब्रेक बीच में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम GIGL रिवाइज करेंगे, जिसमें से आपका 40 to 50 marks का पेपर आएगा ही आएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे, यानी कि जो 31 मई होगा, वो पूरा दिन आपका एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए ही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम एग्जाम से एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले या एग्जाम नाइट बिफोर एग्जाम नहीं कराते, डे बिफोर एग्जाम भी नहीं कराते, हम तो 2 दिन के गैप पे रिवीजन कराते हैं। इन द सेम मैनर कंपनी लॉ में भी यही होगा। 3rd को आपका एग्जाम है, 1st को रिवीजन होगी। 1st को जब आप GIGL का एग्जाम देके आएंगे, आपका जो एग्जाम है वो आपने दिया, उसके बाद आप घर आ गए, 2-2.5 बजे तक खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हम आपको 5 से 12 कंपनी लॉ की रिविजन में भी मिलेंगे बेटा, राइट? एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपना खुद जो भी आपने रीड करना है वो कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी इज कि हम हमेशा एग्जाम से लास्ट नाइट नहीं, लास्ट टू लास्ट नाइट पे रिवीजन कराते हैं, सो दैट आपको पूरा दिन पढ़ने के लिए मिल सके। SBEC में देखिए, 6 जून को हमारा एग्जाम है, हम 3 जून को रिवीजन करेंगे। मतलब 3 जून को आप कंपनी लॉ का पेपर देके आए, अगेन खाना वाना खाया, रेस्ट किया उसी दिन, और आपको पता है 4th का दिन आपके पास है बुक के पढ़ने के लिए, एंड 5th का भी है क्योंकि एक संडे भी आ गया बीच में, तो आपके पास एम्पल टाइम है बुक्स को रीड करने के लिए। तो सिक्योरिटी लॉ में भी ऐसी होगा बेटा, सिक्योरिटी लॉ की 2 जून को एग्जाम है, 31 मई को रिवीजन होगी। हाँ, जो बच्चा दोनों पेपर दे रहा है, दोनों ग्रुप दे रहा है, उसके लिए वैसे भी लास्ट डे रिवीजन नहीं होती, और हमारा स्केड्यूल उसके लिए सूट भी नहीं करेगा। बिकॉज आप अगर परसों पेपर दे रहे हो सिक्योरिटी लॉ का, परसों, और आप परसों सिक्योरिटी लॉ का पेपर दे रहे हो, इसका मतलब है कि हम आज सिक्योरिटी लॉ की रिवीजन करा रहे हैं, जबकि आपका कल GIGL का पेपर है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम 2 दिन पहले एडवांस कराते हैं, इसीलिए वो बच्चा जो एक एक मॉड्यूल दे रहा है उसके लिए रिवीजन मस्ट है, बाकी बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है। और EBCL में भी ऐसा ही होगा, 4 जून को आपका एग्जाम है, तो 2 जून को मॉड्यूल 2। तो अगर आप मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 दे रहे हो तो यस, दिस रिवीजन इज फॉर यू। अगर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप एक एक मॉड्यूल दे रहे हो तो दिस रिविजन इज मस्ट 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 वॉच। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको एक दिन का टाइम पढ़ने का मिल रहा है सब सब्जेक्ट्स में, और आपको SBEC में 2 दिन का टाइम रीडिंग के लिए मिल रहा है। इस रिवीजन के अंदर आई पर्सनली अश्योर यू कि व्हाटएवर वी विल बी कवरिंग, उसमें से 40 to 50 marks का पेपर आएगा ही आएगा, नहीं तो मेरे को पकड़ लेना एग्जाम के बाद, मैं यूट्यूब पे
खुद क्लेरिफिकेशन देने आऊंगा कि देखो जी, खुद अपनी बात को प्रूफ करूंगा कि देखो जो जो मैंने कराया था एग्जाम से एक दिन पहले इस मिनट पे, क्या वो एग्जाम में आया हुआ है। लास्ट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपकी क्लासेस लूंगा मॉड्यूल 1 की, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे होगी सीएस अमित वोरा लॉ क्लासेस के, और जो मॉड्यूल 2 के स्पेशल सेशंस होंगे रिवीजन के, वो अनअकैडमी पे होंगे, और उनके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दैट्स इट, आई होप कि आपको एक क्लेरिफिकेशन समझ आई होगी। तो सी यू गाइस इन द रिविजनरी क्लास, टेक केयर, बाय।